This video is sponsored by Galaxy Construction and Infra Projects. We help you to make your dream home. विंध्यांचल पर्वत श्रेणी की गोद में फैले हुए विंध्य क्षेत्र के मध्य भाग में बसा हुआ रीवा शहर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में से एक है। रीवा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक पचमिठा धाम मंदिर सज सवर कर तैयार हो गया है। यह मंदिर बीहर नदी के तट के किनारे स्थित है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण होगा, तब यहां बीहर नदी और भगवान शिव की आरती का कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की योजना राम दरबार संगठन बना रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे रिपोर्टर आशित ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आप जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आप देख रहे हैं शब्द सांची। अभी मैं मौजूद हूं रीवा के पचमठा मंदिर परिसर में और बीहर नदी के तट पर। बीहर नदी का ये बहाव और इसके किनारे ही बसा पचमठा मंदिर। आपको बता दें कि पचमठा मंदिर का एक लंबा इतिहास है। पचमठा मंदिर जो है आदि गुरु शंकराचार्य की शरणस्थली रही है। 1200 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य गुरु जब देशाटन पर निकले थे तो रीवा के पचमठा मंदिर में ही वो आके रुके थे। उनका सपना था कि रीवा के पचमठा मंदिर को पांचवा मठ बनाने का उनका सपना था। आपको बता दें कि 818 में यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य आए थे और यहीं पे जो है सो उनका भ्रमण हुआ था और यहाँ वो रहे थे, इसीलिए इसे जो है पचमठा मंदिर कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ आज, इतने वर्षों के बाद मैं आदि गुरु शंकराचार्य को क्यों याद कर रहा हूँ और पचमठा मंदिर का जिक्र और बीहर नदी पे आके रिपोर्टिंग क्यों हो रही है। तो आपको बता दूं कि बीहर नदी और रीवा वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है ये कि जब 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस वक्त जो है सो शाम के टाइम में रीवा के बीहर नदी के तट पर भी बीहर नदी की आरती की जाएगी। जिस तरह से काशी में माँ गंगा की आरती, सरयू तट पे सरयू की आरती और चित्रकूट में मंदाकिनी और जबलपुर में जिस तरह से आरती की जाती है, उसी तरह से जो है रीवा में भी आरती की ये जो योजना बनाई गई है। इस योजना की जानकारी जो है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी है। राजेंद्र शुक्ला ने बताया है कि आने वाले समय में और 22 जनवरी को इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसी दिन से रीवा में भी बीहर नदी की तट पे आरती की शुरुआत की जाएगी। अभी हम यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ जो श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि रीवा वासियों में इसके लिए कितनी खुशी है कि अब यहाँ भी जो है सो कई सारे रिवर फ्रंट जो हैं सो डेवलप किए जा रहे हैं और गंगा आरती काशी के तर्ज पे, अयोध्या के तर्ज पे, यहाँ पे भी जो है सो बीहर नदी की आरती की जाएगी। आपको दिखा दूँ कि ये नज़ारा जो है आप देख पा रहे हैं बीहर नदी से, और आने वाले समय में एक निश्चित समय में प्रत्येक दिन यहाँ पे आरती की योजना बनाई गई है जो कि हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और शब्द सांची आपको वो आरती भी दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। 22 जनवरी को जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस वक्त जो है सो ऐसा योजना है और ऐसी खबर है कि 22 जनवरी से यहाँ पे बीहर नदी की आरती की जाएगी। क्या कुछ योजना है बताइए इसके बारे में। यहाँ प्रातः सुंदर पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार गौतम है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ और यहाँ जो है तो सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, दीपक दान होगा प्लस भगवान की आरती होगी और जो श्रद्धालुगण यहाँ आएंगे तो प्रसाद वितरण होगा। दूर दूर से भक्त लोगों का आना जाना रहेगा। भव्य आयोजन मतलब सब निर्मित मिल के सबको इन्हें रखा है। और ये जो मंदिर जो है याद शंकराचार्य जी का पाँचवा मठ है और यहाँ चार मठ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में हैं। यहाँ अनादिकाल से चला आ रहा है, यहाँ चतुर्मासा आदि शंकराचार्य जी बिताते थे। यहाँ ऐसी महिमा हनुमान जी स्वामी की बताई गई है कि जो बच्ची बोलती नहीं थी, गूंगी थी, वो 12वें वर्ष में वो बच्ची बोल के चली गई। एक बार राजा गुलाब सिंह ने प्रयत्न किया था कि ये मूर्ति किला पहुँच जाए, मगर ये मूर्ति किला नहीं गई। मतलब सुबह से शाम तक मतलब जो मिस्त्री थे, लेबर थे, खाने की किसी प्रकार ये मूर्ति पहुंच जाए, मगर त्रस्त हो गए, मूर्ति नहीं गई, क्योंकि ये निकली हुई मूर्ति है। हनुमान जी स्वामी का दाहिना चरण काफ़ी नीचे तक है
और ये कहना चाहिए कि इसके बाद वो मतलब परास्त हो गए, तो घर में उनके कई प्रकार का दुखद घटना होने लगी, सब घर के परेशान होने लगे। तो आए तो बोले हमें क्या करना चाहिए। उस समय हमारे बब्बा जी के पिताजी थे, ये छठवां सतमा पुस्त है अपना। तो आए तो बोले कि एक पैर से आप खड़े होकर स्तुति कीजिए। उन्होंने एक पैर से खड़े होकर स्तुति किया, फिर भंडारा किए। जब भंडारा किए तो भंडारे में पूरी समाप्त होने लगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि इसको पत्तल में ढक दीजिए और पूरी निकालते जाइए। हजारों के तादाद में पब्लिक खा गई, पूरी उतनी की उतनी रह गई। ये ऐसी मतलब रमणीक स्थल है, ऐसी प्रभु की महिमा है। और यहाँ राजघराने से पांचों मुरली की पुजाई आती है, और यहाँ भगवान शंकर जी का अभिषेक होता है। मतलब अनादि अनुष्ठान यहाँ होते रहते हैं। शिवरात्रि को भव्य आयोजन भंडारा होता है, भगवान शिव का अभिषेक होता है, मतलब कुछ न कुछ कार्यक्रम प्रभु जी की चलते ही रहते हैं। और बाकी हो गया सब। हमारे साथ यहाँ के प्रधान पुजारी भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। बताइए, 22 जनवरी से जो बिहार नदी की आरती होने वाली है, इसकी योजना कब से चल रही थी? ये तो बहुत दिनों से चल रही है, और ये तो महीने में होती थी पहले पूर्णमासी को। अब ये भव्य में सब भक्त लोग मिल के, और ऐसा कुछ हनुमान जी कृपा हुई कि यहाँ डेली आरती हो, ऐसा कुछ। और आरती डेली रखी जाएगी? डेली आरती रहेगी। अच्छा, 22 जनवरी को यहाँ पे कौन कौन मौजूद होंगे पहली आरती में? यहाँ तो सभी भक्तगण रहेंगे, और बाकी तो कोई नहीं, यहाँ के सब समस्त भक्त लोग रहेंगे, और बाकी तो कोई नहीं। पुजारी जी, 22 जनवरी को जो है अयोध्या में भी राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, बहुत दिनों के बाद, ये सनातन धर्म के लिए जो है बहुत ही खुशी की बात है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये तो बहुत सुंदर, ये तो उन्हीं की कृपा है प्रभु जी की, कि ऐसा अवसर बहुत दिन बाद आया है। अब बाकी ये तो भगवान का जन्मभूमि ही है ना, उसके लिए तो पूरा विश्व लगा था। हाँ, बढ़िया आनंद भगवान रामलला जी की के तो छवि के लिए कोई बात ही नहीं है। हाँ, क्या है आरती का समय जो रखा गया है, वो आरती का समय क्या होगा? 5:30 के लगभग, और एक घंटे का कार्यक्रम रहेगा आरती का। इसके बाद प्रसाद और हनुमान जी महाराज का, और यहाँ प्रसाद बटेगा आरती के बाद, और बस और कुछ नहीं रहेगा। और क्या कुछ खास होने वाला है आरती में? और कुछ खास नहीं, सब नगरवासी सब रहेंगे। हाँ, सब लोग पधारेंगे, श्रद्धालु भक्त, यहाँ इस स्थान से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जी जी, और उसके पहले भी आरती हो रही थी। बताइए, इससे पहले भी आरती हुआ करती थी, फिर किसी कारणवश बीच में बंद कर दी गई, फिर पुनः नए सिरे से आरती हर पूर्णमासी को होती है। अब वर्तमान में 22 जनवरी से प्रारंभ होगी, तो रेगुलर आरती चलेगी, एक घंटे का कार्यक्रम रहेगा, और आरती समापन के बाद मंत्र पुष्पांजलि और जयकारा और सभी भक्तों को प्रसाद वितरण। तो यहाँ पे जो आरती रखी जाएगी वो किस घाट पे रखी जाएगी? रहेगी घाट में, यहीं पे रहेगी। पचमठा में ही। जी। तो हमारे साथ जो है यहाँ पचमठा मंदिर के दो पुजारी थे, जिनसे हमने बात की। आपको दिखा दे कि यही वो घाट है जहाँ पे जो है आरती का कार्यक्रम रखा जाएगा 22 जनवरी को। मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा आपको दिखाएं, यही वो घाट है जहाँ पे आरती का कार्यक्रम रखा जाएगा। उधर जो है रिवर फ्रंट को डेवलप किया जा रहा है, जिधर मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको कि रिवर फ्रंट डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे लोग आएंगे यहाँ पे बैठ के रिवर फ्रंट का जो है लुत्फ उठा सकेंगे। तो ये जो है बहुत अच्छे से जो है डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश का तीसरा रिवर फ्रंट जो है वो रीवा में डेवलप किया जा रहा है। रिवर फ्रंट जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहीं से, कैमरा जूम करके मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि
है।